आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सरकार से देवभूमि में अंधाधुंध शराब की फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त किए जाने को लेकर हरिद्वार में साधु संतों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में साधु संतों ने यहां के बाबा अमीर गिरी घाट पर इकट्ठा होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने देवभूमि को कलंकित करने वाले इन कार्यों को नहीं रोका तो बड़ी संख्या में हिंदू समाज न केवल विरोध प्रदर्शन करेगा बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही अनशन पर भी बैठेगा। जूना अखाड़ा के श्री महंत विनोद गिरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। जब इसमें कतलखाने खोलेंगे और शराब की फैक्ट्रियां खोलेंगे तो वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? गंगा के अंदर ही जाएगा। और गंगा जो है ना, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, देवताओं की भूमि में है। इसके अंदर ऐसा निंदनीय कार्य कदापि जो है ना सहन नहीं हो सकता है। ये असहनीय कार्य है, इसको हम कभी नहीं सहन कर सकते। यदि सरकार हमारी चेतावनी से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम आत्मदाह करेंगे और इत्यादि जो हमारे से हो सकेगा हम वो पुरजोर कार्य करेंगे। लेकिन अपने जीते जी हम कदापि भी जो है गंगा को मैली नहीं होने देंगे। मदरा का केंद्र खोलने का जो सरकार कार्य करने जा रही है ये अत्यंत निंदनीय है। इस पे जनता जनार्दन को भी, गणमान्य लोगों को भी, संतों को भी, विशिष्ट लोगों को पुरजोर विरोध ही नहीं, इसको किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। कानून से तो कानून से, दम से, ताकत से, किसी भी तरह से इस कार्य का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए लाइव के साथ।